नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान ने मंगलवार को पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकी समूह पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के कुछ इलाकों में हमला किया। इन हमलों से दोस्त रहे दोनों इस्लामिक देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इसको लेकर अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के फाउंडिंग डायरेक्टर भारतीय मूल के प्रोफेसर मुक्तदर खान ने हमास इजराइल युद्ध के संदर्भ में कहा है कि इस्लामिक देश खुद का बचाव तो नहीं कर पा रहे, उल्टे एक दूसरे पर ही हमला करने को उतारू हो गए हैं। प्रोफेसर खान कहते हैं कि मध्य पूर्व बेहद अस्थिर हो उठा है और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन भी एकजुट होकर हमले कर रहे हैं। ऐसे में ईरान पाकिस्तान का लड़ाई में उलझना पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने बिना किसी जवाबी कार्रवाई की परवाह किए पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे पता चलता है कि उसे पाकिस्तान का बिल्कुल भी डर नहीं है। आप चाहें जो कर लें, ठीक ऐसा ही भारत पाकिस्तान के बारे में सोचता है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकल के दफ्तर ने बताया है कि पाकिस्तान और ईरान के राजनयिक संबंध एक बार फिर बहाल हो गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के राजदूत अपने पद पर वापस लौट आएंगे। इससे पहले शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई और पाकिस्तान ने ईरान के साथ सभी मसलों पर काम करने की मंशा जाहिर की थी। हालांकि इस बारे में अभी तक ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोनों देशों के एक दूसरे के इलाकों में मौजूद कथित आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद दोनों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने आपसी विश्वास और सहयोग की भावना के आधार पर ईरान के साथ सभी मसलों पर काम करने की पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की है। वो हालात को नरम बनाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के राजदूतों की एक दूसरे की राजधानियों में वापस बुलाने पर चर्चा की गई है। पाकिस्तान और ईरान के द्वारा एक दूसरे पर हमला करने के बाद दोनों तनाव कम करने पर सहमत हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि लेकिन इस प्रकरण से पड़ोसियों के बीच विश्वास की कमी का पता चलता है, जिसके कारण शांत होने के बाद भी संबंधों में तनाव जारी रहेगा। विश्लेषकों ने गजा पर इसराइल के हमले के दौरान ही ईरान का पाकिस्तान के अंदर हमला करने के पीछे ईरान की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर और अमेरिका में ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक में एक साथी जोशुआ वाइट ने अल जजीरा को बताया कि ईरान और पाकिस्तान के साथ असामान्य हमलों के बाद करने के पर्याप्त कारण हैं। उन्होंने कहा, ये कम भरोसे वाला रिश्ता है, लेकिन तनाव बढ़ने से ना तो इस्लामाबाद और ना ही तेहरान को ज्यादा फायदा होगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क के माज़े इलाके में हुए संदिग्ध हवाई हमलों में मौतें होने की रिपोर्टें हैं। जिस इलाके में ये हमले हुए हैं वहाँ राजनयिक मिशन हैं, जिनमें लेबनान और ईरान के मिशन भी शामिल हैं। सीरिया के सरकारी मीडिया ने इन हमलों की जानकारी दी है। वहीं ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 वरिष्ठ सलाहकारों की मौत हो गई है। मेहर ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से 2 ईरानी सलाहकारों के मारे जाने का ये दावा किया है। रिपोर्टों के मुताबिक ये हमला शनिवार सुबह हुआ है। रामलला की नई मूर्ति की पहली फोटो सार्वजनिक होने के बाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, जहां नई मूर्ति है वहां प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जा रहा है। मूर्ति के शरीर को फिलहाल कपड़ों से ढक दिया गया है। जो मूर्ति है खुली आंखों से प्रकट होना सही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखें नहीं खुलेंगी। अगर ऐसी फोटो सामने आ रही है तो इसकी जाँच होनी चाहिए कि ये किसने किया है। बता दें, राम मंदिर के अभिषेक से पहले श्री राम जन्मभूमि गर्भगृह से रामलला की तस्वीर लीक होने के बाद अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर रामलला की फोटो लीक करने के दोषियों पर कार्रवाई करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ट्रस्ट को संदेह है कि रामलला की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है वो मंदिर स्थल पर निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों ने की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों की एक टीम रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंची। 4 गाड़ियों में सवार इन अधिकारियों को पुलिस स्कॉट में यहां तक लाया गया। ईडी जमीन खरीद बिक्री के एक पुराने मामले में कथित गड़बड़ी की जांच के क्रम में उनसे पूछताछ करना चाहता है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 समन और 2 चिट्ठियाँ भेजी गई थी। ईडी ने दोनों चिट्ठियों को भी समन के तौर पर लेने को कहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ईडी को भेजे जवाबी पत्र में उनके अधिकारियों को 20 जनवरी की दोपहर 12 बजे अपने घर बुलाया था। ईडी अधिकारी तय समय के 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनकी पूछताछ कुछ देर में शुरू होने की उम्मीद है। ईडी ने पूछताछ के बाबत अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि असम के उत्तरी लखीमपुर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ है।
कई बैनर और पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। यात्रा आज इसी रास्ते से होकर निकलने वाली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करते हुए इस मामले से जुड़ी जानकारी साझा की है। जयराम रमेश ने लिखा है, असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, ये भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती, यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस ने असम में भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाने पर ट्वीट किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के वाहनों को निशाना बनाकर हमला किया गया। कल रात भाजपा युवा मोर्चा ने युवा कांग्रेस से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। जब आवामी कांग्रेस से एक पुलिस शिकायत दर्ज करने की योजना बना रही है, जिसमें भाजपा से जुड़े उपद्रवियों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। अब नीतीश कुमार को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर से नया खेल खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पलटना तो फितरत में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव से विचलित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि वो अगर आते हैं यहाँ गठबंधन में तो बीजेपी बड़ी पार्टी है और वो अगर उनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। वहीं जेडीयू के ही नेता और नीतीश के करीबी अशोक चौधरी ने कहा कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। अमित शाह ने कहा है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन उनके पास प्रस्ताव लेकर कौन जा रहा है, हम लोगों ने तो कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। अशोक चौधरी के इस बयान ने सियासत को और गर्मा दिया। वो तो इस सवाल के जवाब में सीधे मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि शाह ने कभी नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। बता दें, अमित शाह ने नीतीश के बारे में कहा कि अगर किसी के पास कोई प्रस्ताव है तो इस पर विचार किया जाएगा, मतलब दरवाजे नीतीश के लिए बंद नहीं है। क्या बिहार में फिर से बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं? ये वो सवाल हैं जिनकी अटकलें इन दिनों पटना से लेकर दिल्ली तक हैं, और इन अटकलों को तब और हवा मिलने लगी जब 19 जनवरी को लालू यादव अपने बेटे और सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी घर पर पहुंच गए। कयास सही साबित होंगे या महज अफवाह बनकर रह जाएंगे, इसकी तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। और खबर ये भी है कि नीतीश कुमार ने अगले आदेश तक पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों को पटना में मौजूद रहने के लिए कहा है। पिता के साथ नीतीश के घर पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि लालू नीतीश एक हैं, लेकिन सियासत में कहा गया सब कुछ सच कहां ही होता है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर चल रहे घमासान के बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद फिर कहा जाने लगा है कि इंडिया में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उधर नीतीश इधर ममता बनर्जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं बल्कि पार्टी जिम्मेदार थी, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे भाजपा द्वारा स्थापित अरुण नेहरू थे। अय्यर ने यह भी कहा कि उनका अनुमान है कि अगर गांधी जीवित होते और पीवी नरसिम्हा राव की जगह प्रधानमंत्री होते तो बाबरी मस्जिद अभी भी कायम होती, भाजपा को उचित जवाब दिया गया होता और उन्होंने उसी के समान एक समाधान निकाला होता जिस पर सुप्रीम कोर्ट वर्षों बाद पहुंचा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ ये कहते हुए एफआईआर रद्द कर दी कि स्वतंत्र भाषण यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अस्तित्व तब ही है जब एक नागरिक बिना किसी डर के सरकार की आलोचना कर सके। पत्रकार ने विधानसभा चुनावों पर संदेह जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव कराना खासतौर से भिंड चंबल क्षेत्र में हमेशा जरूरी रहा है, और अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर कोई शक जाहिर करता है तो यह किसी भी तरह से अपराध नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। शोएब मलिक की शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से हुई है। शोएब ने शनिवार को अपनी शादी की तस्वीरें डालकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने तलाक से जुड़ा एक कोट डाला था और 48 घंटे के भीतर ही ये शोएब की शादी की खबर सामने आ गई। सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें लिखा था कि शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है, लेकिन आपको अपना मुश्किल चुनना है।
शाना ने आगे लिखा था कि बात करना भी मुश्किल है, जिंदगी आसान नहीं होती है, यह हमेशा मुश्किल ही रहेगी, लेकिन हमें अपना मुश्किल खुद ही चुनना होगा। शोएब मलिक के द्वारा तीसरी शादी करने के मामले में एक पारिवारिक सूत्र ने पीटीआई को बताया है यह एक खुला था। बता दें खुला इस्लामिक धर्म में तलाक की एक प्रक्रिया है जिसके तहत महिला पति से एक तरफा तलाक ले सकती है। तलाक और खुला में कुछ अंतर होता है। बता दें ये शोएब की तीसरी शादी है। बता दें 2022 के बाद से लगातार ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि शोएब और अफसानिया के विवादों के कारण वो अलग हो गए और पिछले कुछ सालों में उन्हें शायद ही कभी एक साथ देखा गया हो। मलिक ने कुछ दिन पहले भारतीय सेलिब्रिटी को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया था। खुद को हिंदू सेना कहने वाले एक संगठन ने शनिवार को मध्य दिल्ली में बाबर रोड के साइनेज को खराब कर दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर चिपकाया जिस पर अयोध्या मार्ग लिखा हुआ था। ये संगठन दिल्ली के राजनीतिक हलकों में कभी कभी दिखाई देता है। उसकी मांग है कि इस सड़क का नाम बदला जाना चाहिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि वो पोस्टर हटा रहे हैं और मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करेगी। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि संगठन लंबे समय से मांग कर रहा है कि बाबा रोड का नाम बदला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजू खाने की सफाई जिलाधिकारी एस राजलिंगम की देखरेख में शनिवार सुबह 9 बजे शुरू हो गई। सफाई के दौरान वजू खाने से मरी हुई मछलियों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं जिंदा मछलियों को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव एस एम यासीन को सौंप दिया जाएगा। वजू खाने की सफाई के लिए नगर निगम के 26 सफाई कर्मियों की टीम परिसर में प्रवेश कर चुकी है। रश्मिका मंदाना डी फेक मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की डी फेक प्रोफाइल बनाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते महीने दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 संदिग्धों का पता लगाने का दावा किया था, लेकिन मुख्य अभियुक्त की तलाश जारी थी। बता दें पिछले साल 6 नवंबर को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में लिखा था और इस मामले में जांच एजेंसियों से कार्रवाई करने को कहा था। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान की न्यूनतम सफलता और सॉफ्ट लैंडिंग की पुष्टि कर दी है। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने इस मिशन को बड़ा मील का पत्थर और अंतरिक्ष के भावी खोजी अभियान के लिए बड़ा कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में सक्षम बनने के लिए विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए होगा, जो पहले से ही चल रहा है। उनका कहना है कि सटीक लैंडिंग सफल रही, लेकिन एजेंसी को इसका विश्लेषण करने के लिए लगभग 1 महीने का समय चाहिए। हिरोशी यामाकामा ने यह भी कहा कि जापान चंद्रमा पर और ऐसे यान भेजेगा। हमारी योजना मंगल ग्रह पर भी जाने की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि गजा युद्ध के मुख्य शिकार महिलाएं और बच्चे हुए हैं, जिसमें लगभग 16,000 लोग मारे गए हैं, और इसराइल पर हमास के अचानक हमले के बाद से हर घंटे 2 माताओं की जान चली गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 100 से अधिक दिनों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप कम से कम 3,000 महिलाएं विधवा हो गईं और कम से कम 10,000 बच्चों ने अपने पिता को खो दिया होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष जका अशरफ ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जका अशरफ ने शुक्रवार को लाहौर में पीसीबी की प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के प्रमुख चैनल जियो न्यूज़ ने बताया कि अशरफ ने कहा, मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब हमारे लिए इस तरह से काम करना संभव नहीं है। अब ये पीएम पर निर्भर करता है कि वो किसे नॉमिनेट करते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।